चलिए आगे हमारा सवाल देखते हैं, क्या दुकान के स्टॉक पर ज़कात होगी? तो इसमें हमको दो पहलू देखने चाहिए। पहला ये कि जो दुकान में जो स्टॉक होता है उसके ऊपर से जो है 355 डेज हिजरी कैलेंडर के है वो गुजरने चाहिए स्टॉक पर, और वो स्टॉक जो है 595 ग्राम्स का जो रकम है उतना उसके पास स्टॉक होना चाहिए, निसाब लेवल तक स्टॉक उसका रहना चाहिए उसकी दुकान में, और वो स्टॉक 355 डेज हिजरी कैलेंडर के उसके ऊपर से गुजरने चाहिए निसाब लेवल तक। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहे कि मेरी दुकान में 2 लाख का स्टॉक हमेशा रहता है, ऑन एन एवरेज 2 लाख का स्टॉक रहता है, तो उसे देखना चाहिए कि उसके ऊपर वो स्टॉक के ऊपर 355 डेज गुजरे और 595 ग्राम्स जो सिल्वर होता है वो निसाब तक उसका स्टॉक होना चाहिए। अगर होता है तो उस स्टॉक पर उसको 2.5% ज़कात देनी होगी। दूसरा पहलू उसका यह है कि जो उससे जो इनकम आती है वो स्टॉक जब वो सेल करता है और उससे जो इनकम आती है और वो इनकम वो सेफ रखता है, कितना 355 डेज, और वो सेविंग्स 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के निसाब तक पहुंच जाती है, तो उस इनकम पर भी उस शख्स को ज़कात देनी होगी। यहाँ पर हमको ये देखना है कि ज़कात किस पर होती है, क्या ज़कात खर्चे हुए माल पर होती है या फिर सेविंग्स पर होती है। तो बेसिक रूल ये है कि ज़कात उन चीज़ों पर होती है जो हमारे पास सेव होते हैं, जो चीज़ हमारे पास सेव होती है सोने की शक्ल में या फिर पैसे की शक्ल में या फिर चांदी की शक्ल में या फिर स्टॉक की शक्ल में, जो चीज़ हमारे पास सेव होती है और 355 डेज हिजरी कैलेंडर के उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, तो इस पर ज़कात 2.5% लागू होगी। अगर आपके पास दुकान है और उसके अंदर स्टॉक है निसाब लेवल तक पहुंचता है और 355 डेज गुजरते हैं, तो उस स्टॉक पर भी आपको ज़कात देना है, और उसकी जो इनकम अगर आप सेव करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने इनकम अर्न किया और उसको खर्च दिए, खर्चने पर ज़कात नहीं है, अगर आप सेव रखते हैं उसकी इनकम को और उस इनकम पर से भी 355 डेज गुजरते हैं और 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के हद तक वो निसाब लेवल तक वो अमाउंट पहुंचता है, उस सेविंग पर भी इंशाल्लाह ज़कात होगी।